यार हेलो ओ कोजीमा भाई डिलीवरी बॉय बनाया मैं तो गेम का हीरो बनने आया था यार पिछले 20 घंटे से भाग रहा हूं खलियां पड़ गई टांग पे अबे नहीं तेरी ऐसी की तैसी गेम की यार वेलकम बैक टू द टू स्वीट शो मैं हूं आपका होस्ट बंटू केज आज रिव्यू लेकर आ रहा हूं दैट स्टैंडिंग का एक ऐसी वीडियो गेम जिसने लिटरली इस वक्त गेमिंग कम्युनिटी को डिवाइड किया हुआ है कुछ लोग कह रहे हैं कि गेम बहुत जबरदस्त है कुछ लोग कह रहे हैं कि गेम अच्छी नहीं है और बाज लोग तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर कंफ्यूज है वांट टू थैंक Thrift.PK फॉर स्पॉन्सरिंग आउट द टू स्वीट शो मुझे दैट स्टैंडिंग भिजवाई एंड माई गॉड ऐसी गेम मैंने पहले कभी भी नहीं खेली अब ऐसा इसमें क्या है व्हाट मेक्स इट सो डिफरेंट एंड यूनिक ये जानते हैं रिव्यू में सो एज ऑलवेज लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी फर्स्ट स्पॉइलर फ्री रिव्यू है तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर देखें डेथ स्ट्रैंडिंग होने की वजह से तकरीबन सब कुछ खत्म हो जाता है देयर इज नो लाइफ नो कनेक्शंस एंड बेसिकली द वर्ल्ड इज गॉन हम खेलते हैं इस प्रोटैगनिस्ट सैम पोर्टर ब्रिजेस जो नॉर्मन रीडर्स ने प्ले किया है वो आखिरी पोर्टर है पूरी दुनिया का और गवर्नमेंट ब्रिजेस असाइन करती है सैम को एज द डिलीवरी गाय जिसमें उसने ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स लेने होते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना होता है डिलीवरीज को कम्प्लीट करने के लिए अमेरिका हमारी स्टोरी की मेन हाउसिंग तो जरूर है लेकिन जो टॉपिक है और जो मेन मकसद है वो टोटली डिफरेंट है यहाँ इस गेम का कोर पर्पज है अबाउट रिकनेक्टिंग द वर्ल्ड एक सर्कल को दोबारा इन लाइन करना एक खोए हुए सिस्टम को रिस्टोर करना ये पीक है थ्रू द आईज ऑफ द लास्ट पोर्टर कि कैसे वो अकेला ऑल बाय हिमसेल्फ विद एब्सोल्युटली नो सुपर पावर्स और सुपर स्ट्रेंथ दुनिया को दोबारा ठीक करने की कोशिश करता और रहने लायक बनाने के लिए उसको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं डेथ स्ट्रैंडिंग का प्ले थ्रू आपको इस बात का एहसास दिलाता है और बहुत सटल तरीके से बताने की कोशिश करता है कि हेल्प और कनेक्टिविटी की कितनी ज्यादा अहमियत है अक्रॉस द मैप आप एरिया टू एरिया स्ट्रैंड्स फॉर्म करते हैं लिंक्स बनाते हैं नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं और लोगों को एक बड़े सर्कल का हिस्सा बनाते हैं दिस इज व्हाट योर सोल गोल इज स्टोरी बहुत ही ज्यादा डेंस है वियर्ड है डार्क भी है बाज दफा और कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत ज्यादा है शुरू के 4 से 5 घंटे तो आपको मुश्किल ही कुछ समझ आएगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है विद ऑल द वियर्ड कट सीन्स गोइंग ऑन लेकिन जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे इन गेम और आपका टाइम भी सही ठीक ठाक लगेगा तब आपको ग्राउंड्स मिलेंगी स्टोरी की सैम की और इस पूरी सिचुएशन की कैरेक्टर्स लाइक डेड मैन डाई हार्ड फ्रेजल हैव अ लॉट ऑफ डायलॉग और ये आपके पक्के फेसेस हैं हु विल ग्रो ऑन यू थ्रू आउट दिस जर्नी स्पीच वर्ड्स और डायलॉग यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है जनरली स्टोरी डेथ स्ट्रैंडिंग की कॉम्प्लेक्स भी उतनी है जितनी ये यूनिक और जबरदस्त है स्लो पेस्ड ये जरूर है लेकिन अगर आप शुरू में टाइम लगा लेंगे और इसके साथ स्टिक अप होंगे तो ट्रस्ट मी यू आर इन फॉर सम ट्रीट आई ट्रूली लव्ड इट लेकिन अगर आप बोर होकर छोड़ गए शुरू में तो यू विल मिस वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पीसेस ऑफ आर्ट हालांकि छोड़ने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि सबका अपना टेस्ट है और बहुत ज्यादा लोग स्लो कॉम्प्लेक्स और बेसिकली एक ही सेम गेम प्ले लूप में इन्वेस्ट नहीं होते तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बनता तो इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि गेम आपकी अच्छी नहीं है गेम की स्टोरी अच्छी नहीं है या गेम का प्ले थ्रू अच्छा नहीं है ये सारी बहुत बेसिक सी हाइलाइट्स थी ताकि आपकी मेन गेम स्पॉइल ना हो और अगर आप इसको खेलें तो आप सारी चीजें खुद एक्सपीरियंस करें क्योंकि स्टोरी में बहुत से ट्विस्ट्स हैं बहुत से टर्न्स हैं देयर इज अ होल लॉट ऑफ थिंग गेम अपनी पेस जरूर पकड़ती है सो दैट वाज इट अबाउट द स्टोरी अब हम बात करते हैं गेम प्ले की और सीधी बात बताऊंगा सबसे पहले तो यस डेथ स्टैंडिंग में आपका कोर लूप पे डिलीवरीज करना पैकेजेस को यहाँ से वहाँ पहुंचाना तो जितने भी जोक्स थे कि ये TCS गेम है ये वॉकिंग सिमुलेटर है they were kind of right. लेकिन सिर्फ यही नहीं है गेम प्ले में फाइटिंग भी है शूटिंग भी है और इवन ड्राइविंग भी है लेकिन ये ऑन फुट वॉकिंग वाला कोर इतना स्ट्रॉन्ग और इतना एडिक्टिंग है कि मुझे शूटिंग फाइटिंग और बास दफा ड्राइविंग तक ऑकवर्ड लगी थी पैदल चलना बहुत सी बातें जानना लोगों से अप्रिसिएशन लेना और एक मैसिव खाली दुनिया में कनेक्शन बनाना इज योर ओनली गेम प्ले आपके पास कार्गो होती है लाइट वेट से लेकर हैवी वेट तक जिसमें आप सारी चीजें स्टोर करते हैं प्रोग्रेस जैसे जैसे आप करते हैं यू गेट गैजेट्स वेपन्स एंड गियर अपनी डिलीवरीज में आप लैडर्स और क्लाइंबिंग हुक्स जैसे टूल्स यूज कर सकते हैं जिधर आपको जरूरत पेश आए और इनके कोई डेडिकेटेड स्पॉट्स नहीं है सो यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम क्योंकि बास दफा रास्ते और लोकेशंस तक जाना बहुत ज्यादा ओखा हो जाता है फिगरिंग आउट योर वे कैन बी वेरी ट्रिकी समटाइम्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू या कभी कभी तो फेयरली सिंपल टर्मिनल से आपको मिशन मिलते हैं विच आर कॉल्ड ऑर्डर्स और मेन स्टोरी में ये बहुत सिंपल है सेट ऑफ ऑर्डर्स की क्वांटिटी भी बिल्कुल जबरदस्त है और इस सब के साथ साइड मिशंस बहुत ज्यादा है इवन पिज्जा डिलीवरी तक के मिशंस है तो मतलब क्या ही बातें लेकिन इन ऑर्डर्स लेकिन अपने मेन मिशंस के अंदर जो एकदम से म्यूजिक लगता है ना हुए 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 इट बिकम्स सो गॉर्जियस कैमरा पैन आउट होता है लो रोर बैंड के प्यारे गाने लगते हैं एंड इट मेक्स द परफेक्ट मूड एंड मोमेंट लिटरली इंसान खो जाता है गेम खेलते हुए तब अगेन प्रोग्रेशन के साथ साथ आपके पास एक बिल्डिंग गैजेट आता है जो इटसेल्फ टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा वास्ट होता जाता है और उसमें मजीद और ऑप्शंस ऐड होते हैं जैसे स्ट्रक्चर्स बनाने ब्रिजेस बनाने और इवन रोड्स तक कंस्ट्रक्ट करनी फुल ऑन ताकि आपकी जर्नी कंफर्टेबल हो जाए और एक इंतहाई और प्यारी बात डेथ स्टैंडिंग में ये है कि आप जो कुछ भी बनाते हैं वो
रियल टाइम में बाकी प्लेयर्स भी यूज कर सकते हैं अपनी ईज के लिए, और उनकी जितनी भी बनाई हुई चीजें वो आप अपने रियल टाइम में यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं तो इट इज एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मैसेज एंड हैज अ ग्रेट मीनिंग कि हेल्प करना एक दूसरे की और कनेक्शन स्टेबल करना ही एक अच्छी लाइफ और जिंदगी देता है इंसान को। द वर्ल्ड रियली लिव्स ऑन हेल्पिंग अदर्स एंड एस्टैब्लिशिंग कनेक्शंस। गेम प्ले में पैकेजेस देना और बहुत ही ज्यादा चलने के साथ बाज टेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। टाइम फॉल एक ऐसा मैकेनिक है जो कभी भी किक इन हो जाता है और इसमें खतरनाक फिगर्स समन होते हैं। आपको अपना सांस रोकना पड़ता है, बड़ा स्टेल्थी और अनडिटेक्टेड रहना होता है, नहीं तो ये डेमोनिक फिगर्स जमीन से आकर आपको पकड़ लेते हैं और फिर एक मॉन्स्ट्रस बीटी आ जाता है टू किल यू और उसके साथ आपको फाइट करनी पड़ती है और ये फाइट अच्छे खासे बड़े स्केल पे होती है और बीटी को डिफीट करना बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है। सिमिलर टू दिस म्यूल्स एनिमी ग्रुप भी अक्रॉस द मैप होते हैं। ये बेसिकली ह्यूमंस होते हैं जिनका जगह जगह अपना सर्कल होता है, अपनी टेरिटरी होती है। यहाँ पे आप या स्टेल्थी रह सकते हैं और यू कैन फाइट देम हेड ऑन। इसमें भी गैजेट्स आपकी एडवांटेज बनते हैं। आई डिड एंजॉय द फाइटिंग, लेकिन एक पीसफुल समा जो बना होता है ना गेम को और जो जर्नी चल रही होती है कंटिन्यूस, एकदम से फड्डे करना उसमें मुझे स्लाइटली अजीब सा फील हुआ था। आई डोंट से कि दिस इज अ बैड थिंग, लेकिन जो कंटिन्यूस फ्लो है ना उसमें मुझे स्लाइटली ऑफ लगा एकदम से मारामारी करना। बीबी जो पॉट बेबी है वो आपके साथ होता है और उसके पूरे अपने मैकेनिक्स हैं। स्ट्रेस डैमेज और टाइम फॉल से वो परेशान होकर रोना शुरू कर देता है, सो यू लिटरली हैव टू काम हिम डाउन लाइक यू डू इन रियल लाइफ। और गेम में सैम को वाज़े बताया जाता है कि इस चीज को एज अ टूल यूज करना है, इसको एज अ सीरियस किड नहीं लेना, लेकिन ही कांट हेल्प बट फील फॉर द किड एंड गेट अटैच टू हिम। एंड ऑनेस्टली ये बीबी पूरा पूरा हिस्सा है इस गेम का और इस लंबी जर्नी का। इस सब के साथ प्रोग्रेशन सिस्टम हेविली एडेड है गेम में, लेकिन ये बिल्कुल भी अनफॉरगिविंग या जालिम नहीं है, ऑल्दो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आवर्स एंड आवर्स, घंटों बाद कहीं जाके आपको गन मिलती है, लेकिन जितना आप गेम में आगे बढ़ेंगे उतनी ये इजी होती जाएगी। जैसे बेहतर आपका स्टेमिना होगा, वेट ऑप्शंस होंगे, स्टेटस और गियर के साथ गैजेट्स और वेपन्स तो मिलेंगी, यू कैन इवन अनलॉक व्हीकल्स और उनकी आप मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली व्हीकल्स की अगर बात करें तो ऐसी लोकेशंस पर जाना होता है दैट यू आर फोर्स्ड टू लीव योर राइड। और ऑनेस्टली ड्राइविंग के कंट्रोल्स मुझे बहुत ज्यादा सख्त और क्लंकी लगे थे, तो पैदल चलना मुझे 10 times ज्यादा अच्छा लगा ड्राइविंग से। इन शॉर्ट में गेम प्ले आपको ऐसे सम अप करके दूंगा कि यहाँ पर हर गेम की तरह आपको कोई फुल ऑन ओवर द टॉप एक्शन नहीं मिलेगा, कोई फास्ट पेस्ड सुपर हीटेड मोमेंट्स नहीं मिलेंगे और प्ले थ्रू का कोई रिटर्निंग या शुगलिया सीन नहीं होगा। यहाँ पे एक पूरा माहौल बना हुआ है, एक पूरी डेप्थ है सिनेरियोस की, एक खूबसूरती है इस पूरे प्लेन वाइड वर्ल्ड की एज फार एज द आई कुड सी। एक एरी सा बिल्ड है, एक्सप्लोरेशन है, ट्रेवल है, सैम पोर्टर की जर्नी है और उसकी लोनलीनेस है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल डाइवर्स। और ऐसा कुछ पहले कभी नहीं खेला मैंने ना विटनेस किया इस लेवल पर आकर। ये एक इंतहाई डिफरेंट गेम है और अपने कोर पे ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली चिपकी रहती है, जो बेसिकली एक पोर्टर है और वो पोर्टर वाला काम कर रहा है जो कि है डिलीवरीज। आपको गेम के इन बिटवीन कोजीमा के सिग्नेचर स्टाइल इंतहाई लंबे कटसीन्स भी मिलते हैं विच आर सुपर इम्पोर्टेंट टू वॉच एंड लिसन टू। क्या आपकी नरेशन है मेन स्टोरी की और इनकी खूब इंपॉर्टेंस है, तो ये है माई फ्रेंड्स डेथ स्टैंडिंग, जो कि टोटली डिफरेंट गेम है हर एंगल से। अब हम बात करते हैं ग्राफिक्स की। गेम तो टोटल लुकर है, विजुअली ये इतनी प्यारी और खूबसूरत है, जबरदस्त ग्राफिक्स है, टेक्सचर्स कमाल है, डिटेल्स ऑन पॉइंट है और जो कलर टेम्पलेट्स हैं दे आर ग्रेट। इस पूरी बिल्ड की एक खास खूबसूरती है, बाज ऐसे व्यूज आते हैं और इतनी वाइब्रेंस आपको नजर आती है, आपका दिल करता है बस वो कामिंग और रिलैक्सिंग व्यूज ही देखते जाएं वाइल टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। और इतनी बड़ी गेम है ये और स्टैंडर्ड PS4 प्रो पे जब टेक्सचर्स बिल्कुल लेट ना हो, इसका मतलब डेवलपिंग टीम वाकई बहुत जबरदस्त है और दिल खुश हो गया इसकी बिल्ड क्वालिटी पे। वाह, साउंड डिजाइन वाइज डेथ स्टैंडिंग गेम आपको कोई इश्यूज नहीं देती, एक्ट्रेस की कमाल वॉइस एक्टिंग से लेकर परफॉर्मेंस तक, एनवायरमेंटल साउंड्स, गैजेट्स, एक्शंस, इंटरेक्शंस, दे आर ऑल वेरी वेल डन। सो माय फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ दिस सेड, अब बात आती है वर्डिक्ट की, और कसम से ये एक ऐसा रिव्यू है जिसने मुझे तकरीबन अपसाइड डाउन कर दिया। मैंने कभी इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया किसी रिव्यू में और मेंटली इतना एंगेज और इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा किसी भी गेम में जितना मुझे डेथ स्टैंडिंग के टाइम पे होना पड़ा। ये एक इंतहाई डिफरेंट और इनोवेटिव गेम है जो सबके लिए नहीं बनी, शोर शॉर्ट यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, लव और खूब हौसला चाहिए टू एंजॉय एंड लिव डेथ स्टैंडिंग। सो एक कॉम्प्लेक्स डेप्थ, डार्क और कमाल स्टोरी के साथ, एक कमाल प्रोटैगनिस्ट और साइड कैरेक्टर्स, एक अच्छी नरेशन, बहुत ही लंबे स्ट्रेचेस वाला पीसफुल कामिंग और बाज दफा थेरेप्यूटिक गेम प्ले डेथ स्टैंडिंग को बना देता है एक 9/10 अमेजिंग गेम विच आई एब्सोल्युटली लव। मैं रिकमेंड तो जरूर करूंगा, लेकिन ये एक एवरीडे वीडियो गेम फॉर ऑल वीडियो गेमर्स बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आपको पसंद ना आए तो नथिंग इज रॉन्ग विद इट। चांसेस हैं कि बहुत ज्यादा मैसेज को ये अपील नहीं करेगी, लेकिन देन अगेन इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि सबके अपने रेस्पेक्टिव टेस्ट हैं, सबकी अपनी पसंद और ओपिनियंस है। आप चाहे तो इसको स्किप कर दें, देयर इज नो प्रेशर एट ऑल, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस गेम का प्ले थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं देन इट्स ब्रिलियंट एंड यू शुड गो फॉर इट। और इस सब के साथ आज के एपिसोड का टाइम होता है खत्म। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड द रिव्यू। मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताएं, गेम कैसी लगी है, खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे, पास आउट कर रहे हैं, रिव्यू कैसा लगा है। लेट्स कीप द डिस्कशन गोइंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। यू गाइस टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज योर होस्ट पंटुकेज सेइंग अल्लाह हाफिज़।